सलाम अलैकुम। बूरा शुगर बना लेंगे यानी तगार। हलवाई अक्सर बूरा शुगर से ही लड्डू पेड़ा बनाते हैं, इसलिए हम भी बना लेंगे। बहुत टेस्टी बनते बूरे से। शुगर ग्राम में आसपास 400 ग्राम की है और 3 माप शुगर तो 1 माप पानी। अभी गैस को ऑन नहीं की मैं, पानी अगर शुगर डालकर गैस को ऑन कर रही हूँ। इसके बाद हम गैस को ऑन करके हाथ को कंटिन्यू चलाते हुआ 4 से 5 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे। शुगर देखिए घुल भी गई, अब ये पक भी गया। हम इसको क्या करेंगे, तार में कहाँ तक आया चेक करेंगे। देखिए इस तरह डालकर, बहुत गर्म होता, देख के हिफाजत से कीजिए। देखिए एक तार आ गया और एक तार बाकी है। इसमें हम घी डालेंगे 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये क्रिस्टल ना होने के लिए। डालकर अभी पक गया, गैस को ऑफ कर रही हूँ, मगर हाथ को हम कंटिन्यू इसी तरह चलाते रहना चाहिए। अभी हम देखिए इस हम गैस से हटा लिए, अब हाथ को कंटिन्यू चलाते हुआ इसको ठंडा कर रहे। जैसे हम हाथ को चलाते हुआ पका लिए, उसी तरह हाथ को चलाते हुआ ठंडा करना। जैसे जैसे वो ठंडा हो जाएगा, देखियो लिक्विड था सो सॉलिड फॉर्म में इख्तियार होगा। अभी ये देखिए इस तरह हम इसको हाथ को चलाते हुआ और उसको मैश कर लेंगे। देखिए उल्थाने से दबा दबा कर, नहीं तो आपके पास दाल घोटनी या मैशर हो तो उससे भी दबा लेंगे, क्योंकि हम इसको पाउडर होना ना, इसका बूरा बना लेना है, इसलिए हम इस तरह। उसके बाद ठंडा होने के बाद हाथ से भी हम इसको मल लेंगे, दबा दबा कर इस तरह मल लेंगे, तो ये सारा पाउडर बन जाएगा। अब इसको हम छन्नी में डालकर छान लेंगे, पाउडर हो जाएगा। जो भी क्रिस्टल जो मोटा मोटा है उसको हम देखिए इस तरह से ना, उसको उसको भी हाथ से दबा ले तो फिर वो भी छन जाएगा। अक्सर हलवाई इसी से ही बनाते हैं लड्डू पेड़े। वाकई लड्डू पेड़े इससे बहुत टेस्टी रहते। शुगर और बूरा में दोनों में फायदा देखा जाए तो बूरा बहुत फायदा है।